हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में फरियादी के परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक 28/10/14 को सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन अनावेदक क्रमांक 1 के कार्यालय के उपाध्यक्ष तथा पार्षदों का वर्ष 2014 के माह जून कौमा जुलाई व अगस्त के वेतन की जानकारी चाहिए थी कौमा जो उसे 7/11/14 को प्राप्त हुई कौमा जिससे ज्ञात हुआ कि अनावेदक क्रमांक 1 ने नियमों का उल्लंघन करते हुए माह जून व जुलाई 2014 का वेतन चेक क्रमांक 05/13/13 व 05/16/83 क्रमशः दिनांक 1/7/14 को अनावेदक क्रमांक 2 को दिया था। फुल स्टॉप। प्रधान निदेशक तथा संपदा के पत्र दिनांक 23/7 के अनुसार छावनी परिषद के पार्षदों का कार्यकाल 15/2/15 तक बढ़ाया गया और कार्यकाल वृद्धि के बाद कैंटोनमेंट अधिनियम के तहत परिषद की पहली बैठक के पहले प्रस्ताव में उपाध्यक्ष के पद का चुनाव होना आवश्यक होता है, परंतु 6/6/14 के उपरांत 30/6/14 को पहली परिषद की बैठक हुई और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव पहले के बजाय 37वें नंबर पर रखवा दिया और यह चुनाव 2/8/14 को संपन्न हुआ। फुल स्टॉप। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 2 दिनांक 6/6/14 से 2/8/14 तक चुनाव ना होने के कारण उपाध्यक्ष नहीं रही। इसके बावजूद अनावेदक क्रमांक 1 की
मिली भगत से जून एवं जुलाई का वेतन, अनावेदक क्रमांक दो ने प्राप्त किया, कौमा, जो कि दंडनीय अपराध है, फुल स्टॉप। इसकी शिकायत परिवादी ने 12/11/14 को मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद सागर, कौमा, निदेशक रक्षा संपदा भारत सरकार नई दिल्ली, कौमा, प्रधान निदेशक दक्षिण मध्य कमान पुणे व दिनांक 31/1/15 को थाना कैंट सागर में की, कौमा, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, फुल स्टॉप। अतः परिवादी ने अनावेदक गण के विरुद्ध धारा 420 व 406 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया, फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के समर्थन में परिवादी मन्नू भाई एवं उसके साक्षी गुरमीत सिंह के कथन अंकित कर व परिवादी के पंजीयन पूर्वक तर्क श्रवण कर अनावेदक गण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनना ना पाए जाने से परिवाद पत्र निरस्त कर दिया। इसी से दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है, फुल स्टॉप, पैरा लेंगे। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर परिवादी ने यह पुनरीक्षण इस आशय पर प्रस्तुत की है कि अनावेदक क्रमांक दो दिनांक 6/6/14 के मध्य उपाध्यक्ष के पद पर नहीं थी, जबकि इसकी जानकारी अनावेदक क्रमांक एक को दी थी। इसके बावजूद भी अनावेदक क्रमांक दो को वेतन भत्ते का भुगतान किए जाने से अनावेदक गण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420 व 406 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध बनता है तथा विचारण
न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज कर विधि एवं तथ्यों की भूल कर परिवाद निरस्त किया गया है। अतः प्रश्नाधीन आदेश अपास्त कर अनावेदकगण के विरुद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध करने की प्रार्थना की है। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। उभय पक्ष के तर्क सुने गए एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया। फुल स्टॉप। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं मन्नू भाई का कथन कराया है। फुल स्टॉप। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।